मैं 3 दिन से सदर थाने दौड़ रही हूँ, मेरी कोई वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस वाले उसी के फेवर में पक्ष कर देते हैं, दौड़ते हैं, मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, इस चक्कर में हम यहाँ आए हैं। किस तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है? मतलब अभी परसों वाले दिन आया था, बदतमीजी करी, गाली गलौज करता है, गंदे गंदे इल्जाम लगाता है, हालांकि उसका चक्कर चलना है, उससे मतलब चक्कर करके शादी करना चाह रहा है 14 तारीख को। हम ये चाहते हैं सर, मतलब ऐसे इंसान को सजा मिलना चाहिए, हालांकि हम 3 दिन से दौड़ रहे हैं सदर थाने, मेरी कहीं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपना बेटा खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, हम अपने अकेले हैं। देखिए, सदर बाजार थाना क्षेत्र की महिला है, इसका आरोप है कि इसके पति और उसके परिजनों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और पति दूसरी शादी का भी प्रयास कर रहे हैं। इन सभी तथ्यों की छानबीन के लिए थाना प्रभारी सदर बाजार को एप्लीकेशन भेजा गया है, जांच करके आवश्यक कार्रवाई की। कहा जा रहा है कि उसका पहले से कोई मामला चल रहा है, तलाक का भी कोई मामला चल रहा है कोर्ट में? इस संबंध में जो कोर्ट में चल रहा होगा उसकी हमें जानकारी नहीं है, सभी तथ्यों को छानबीन के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।